नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिरेकल मशीनरी के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र सिंह। दोस्तों स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इससे पहले हमने देखा था ज्वेलरी कटिंग मशीन, ज्वेलरी सॉल्टिंग मशीन और हमने देखा था CO2 लेजर कटिंग मशीन। लेकिन जब मार्किंग के लिए जाते हैं तो बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें देखना पड़ता है गैल्वो टेक्नोलॉजी के द्वारा लेजर जब गिरता है नॉन मेटल के लिए CO2 लेजर मार्किंग मशीन। तो आज हम उस मार्किंग मशीन को देखेंगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे, वर्क देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं CO2 मशीन जो काम करती है वो किस पर काम करती है। CO2 मशीन काम करती है वो नॉन मेटल्स पर काम करती है, जैसे MDF हो गया, वुडेन हो गया, एक्रेलिक हो गया, लेदर हो गया, फोम हो गया, टेक्सटाइल हो गया और रबड़ हो गया। इसके अलावा आप कागज हो गया, ऐसे जितने भी नॉन मेटल वस्तुएं हैं या फिर सॉफ्ट प्लास्टिक हो गई, इन सब पर CO2 लेजर मशीन काम करती है। एक CO2 लेजर कटिंग मशीन होती है जिसका वीडियो हमने आपको बना दिया था, पहले भी दिखा दिया है, आई बटन में दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। आज जो बात कर रहे हैं वो CO2 गैल्वो के द्वारा CO2 लेजर मार्किंग मशीन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए मशीन पर। ये हमारी CO2 मार्किंग मशीन, इसको देखा जाए तो ये वेज प्लेट दे रखा है, यहाँ स्विच बटन दे रखा है, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह है, यहाँ पर आप लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पर पीछे आप कंप्यूटर को भी माउंट कर सकते हैं, CPU वगैरह के अंदर जगह दे रखी है और कीबोर्ड वगैरह की जगह होगी, उसके लिए पूरा ड्रॉअर दे रखा है, इसमें आप रख सकते हैं। और ये जेड एक्सेस रहेगा, मैनुअल रहेगा, मोस्टली हम इसमें मैनुअल देते हैं, लेकिन अगर चाहें तो उसको आप बटन के द्वारा भी ऑटोमेटिक अप डाउन का भी हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। या हमारा गैल्वो रहा, नीचे लेंस लगा हुआ है और ये CO2 जो ट्यूब होता है वो रखा होता है। ये हम जो फिलहाल मशीन पर बैठे हैं ये 30 वाट का मेटल ट्यूब है, 30 वाट का, और इसमें 300 mm का लेंस लगा हुआ है। इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं, अगर हम मार्किंग मशीन जाएंगे तो 30 वाट का आता है, 60 वाट का आता है, 80 वाट का आता है, फिर उसके बाद 100 वाट का, 130, 150 वाट तक भी आप जा सकते हैं। ऐसे लेंस में देखा जाए तो 200x200mm, 300x300mm, 400x400mm, 800x800mm, 600x600mm तक का वेरिएंट इस मशीन में रहता है। आपका जो भी वर्किंग है, कितना वर्किंग एरिया है, कैसा वर्किंग एरिया है, उस पर डिपेंड करता है, किया जाता है। अब मोनली बात करें तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं तो हमारे पास एक जीन्स रखा है, एक और फैब्रिक रखा है कपड़ा, इसके अलावा MDF और एक्रेलिक के कुछ पीस हैं, उस पर हम लोग सैंपल इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन ये जो मशीन है वो नॉन मेटल पर मार्किंग पर्पज से यूज की जाती है। मार्किंग की बेस्ट क्वालिटी अगर चाहते हैं नॉन मेटल पर तो इस मशीन का यूज किया जाता है। नॉन मेटल में मीन्स आपका एक्रेलिक आ गया, वुडेन में MDF वगैरह सब कुछ आ गया, इसके अलावा सॉफ्ट प्लास्टिक आ गया, लेदर, रबर, जीन्स वगैरह जो फैब्रिक आ गया, कागज़ आ गया, टेक्सटाइल के सारे मटेरियल्स आ गए, इन सब चीज़ों पर इस मशीन को यूज किया जाता है। तो आइए दोस्तों कुछ सैंपल देख लेते हैं। अभी फिलहाल हमने जो ले रखा है इस मशीन पर, पहला सैंपल करना चाहते हैं वो एक्रेलिक की एक सीट है, वाइट एक्रेलिक, और एक तस्वीर थी राधा कृष्ण की। उस राधा कृष्ण की तस्वीर को हम इस एक्रेलिक पे मार्किंग के द्वारा उकेर रहे हैं और देखिए कितनी स्पीडली वर्क हो रहा है और ये स्मूथली वर्क हो रहा है। अभी फिलहाल ये नॉर्मल बेस प्लेट पे रखा हुआ है और देखिए इतनी बड़ी तस्वीर को इसने एक क्वालिटी के साथ, फिनिशिंग के साथ पूरा मार्क कर दिया है। अगर इसको हम थोड़ा ब्लैक पर रख के देखें तो देखिए क्या ये फिनिशिंग दिखा रहा है, क्या देखने में सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप एक्रेलिक पे मार्किंग कर सकते हैं। आइए कुछ एक और प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे MDF आता है तो आइए MDF के लिए मैंने एक डिज़ाइन ले रखी है और इस डिज़ाइन को हमने एक MDF की सीट ले रखी है, उस पर मार्किंग करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बेहतर तरीके से मार्क करती हैं, आप किसी भी प्रकार की MDF या वुडेन पे भी मार्किंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसका मेन जो होता है ना दोस्तों वो ये होता है कि ये फिनिशिंग मार्किंग के वक्त बहुत बेहतर करती है। जो CNC मशीन आती है वो भी बेहतर काम करती है लेकिन मार्किंग पर्पज से ये बेस्ट मशीन रहती है और ख़ास करके फैब्रिक वगैरह पे भी बढ़िया काम करती है। फैब्रिक के कुछ एक सैंपल देखेंगे, ये देखिए एक बढ़िया से एक और हम देख लेते हैं जिसमें चारों तरीके से बेहतर हम समझ पाएँ MDF को। तो एक तस्वीर ली है कष्टभंजन हनुमान जी की और उसको हम लोग मार्क कर रहे हैं और एक अलग तरीके से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि चारों तरफ से ये मार्क कर दे और जो तस्वीर का पोर्शन हो वो पोर्शन मार्क ना हो। तो इसको थोड़ा स्पीडली बढ़ा लेंगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, लेंथी ना हो और आप समझ भी पाएं बेहतर तरीके से। तो देखिए कितनी स्मूथली ये वर्क कर रहा है, हालांकि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं स्मूथली वर्क करता जा रहा है और MDF
पर एक बेस्ट रिजल्ट देती है। हालांकि एक्रेलिक पर भी इसका रिजल्ट देखने लायक होता है, और इसके अलावा जब टेक्सटाइल पे करेंगे तब भी आप देखेंगे कितना फिनिशिंग के साथ, कितना एक्यूरेसी के साथ ये मशीन काम करती है। और हाँ दोस्तों, जैसा भी आपका काम होता है उस काम के अनुसार इस मशीन को आप बाय कर सकते हैं। जैसे एरिया वाइज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपका जो वर्किंग एरिया है उस हिसाब से हम लेंस के साथ इस मशीन के साथ जा सकते हैं। और वाट भी 30 वाट से लेकर 150 वाट तक का हमारे पास रहता है, 30, 60, 80, 100, 130, 150, तो इन सारे वेरिएंट पे आप जा सकते हो। देखिए कितना सुंदर लगने लगा, जैसे ही हमने एक फास्ट फॉरवर्ड किया और थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो ये अब अपना जब पूरा मार्क होगा तो ये मशीन फिर अपना दिखाता है जोहर के किस तरीके से ये मशीन वर्क करती है। और जो गिफ्ट आर्टिकल्स हैं या जो फैशनेबल आजकल जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं या लोग जो सेल करते हैं डायरेक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ आइटम बनाते हैं, उन सब के लिए बेस्ट है। देखिए क्या सुंदर तस्वीर बन के उकर के आई है CO2 इस मार्किंग मशीन से। आइए कुछ और सैंपल एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये जीन्स है और जीन्स पर एक अमेरिकन ब्रांड है, उसको हम बना रहे हैं और थोड़ा डिजाइन बनाए। देखिए इसी से मार्किंग हुआ है और किस तरीके से ये मार्किंग हो रहा है। एक और सैंपल देख लेते हैं थोड़ा डार्क में। तो देखिए हर हिसाब से इसको डार्क स्मूथ और उस तरीके से आप इसमें मार कर सकते हैं। आपके पास लोगो है या कुछ नाम लिख कर, ये अमेरिकन अमेरिका करके एक ब्रांड थी, उसका एक लोगो लिया हम लोगों ने गूगल से और उसे इस जीन्स पर उकेरा है। अलग अलग वेरिएंट में, थोड़ा डार्क में, थोड़ा सॉफ्ट में, और अलग अलग 3-4 वेरिएंट बनाए हैं, कोई डिजाइन बनाई है। देखिए उनका पूरा लोगो छपके और ब्रांड बन के जीन्स पर तैयार हो गया। इस पे जीन्स पे आप लिखते हैं, जीन्स पर जो डैमेज करते हैं वो सारा चीज़ इसी से होती है। डैमेज जीन्स आजकल जो आ रहे हैं वो भी इसी मशीन से होता है। देखिए एक और फैब्रिक से इस पे कुछ लिखते हैं, एक पतला सा कपड़ा है और उस पे देखिए कितना स्मूथली, जलेगा नहीं बिल्कुल और लिख कर दे देगा। देखिए एक और हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि डॉट 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 मार्किंग होता है लंबा दूर दूर। देखिए ये डॉट 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 मार्किंग हम कर रहे हैं, खासकर फैब्रिक्स में जाती है, छोटी छोटी जो साड़ी वगैरह के कपड़े हैं उसमें इसमें स्टोन रखे जाते हैं। तो देखिए डॉट 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 हमने बनाए, एक डिजाइन जो नॉर्मल डिजाइन थी उसको डॉट डॉट में कन्वर्ट करके ये मार्क करती। देखिए आर पार दिख रहे हैं डॉट डॉट। तो इस तरीके से मशीन का यूज होता है। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप परचेस करना चाहते हैं ये CO2 मार्किंग मशीन या फिर CO2 कटिंग मशीन आती है या फिर ज्वेलरी कटिंग मशीन, लेजर मार्किंग मशीन, CNC कटिंग मशीन फाइबर लेजर की या फिर CNC राउटर वगैरह, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं लगातार, अभी भी नंबर दे रहे हैं, या फिर हमारे अहमदाबाद हेड ऑफिस का आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आकर के आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।